आई गेस मैं हूँ रोमन और आप देख रहे हैं टेक्निकल आर्टिस्ट। तो इस वीडियो पे मैं आपके सामने लाए हूँ एक ऐसे यूजफुल वीडियो जो आपके काम पे आए। तो ये देखिए, ये जो जियो F90M का जो फ़ोन है, इसे कैसे फ्लैश करें, मतलब इसका फ्लैश करने का ये रीज़न होता है, मतलब ये हैंग हो जाता है लोगो या तो ये डेड हो जाता है। तो मेरे केस में ये डेड हो गया, इसीलिए मैं इसे फ्लैश करूँ। अगर आपका फ़ोन सही है तो इसे फ्लैश करने के लिए ज़रूरी नहीं है, फ्लैश अगर आप करते हैं तो यह फ़ोन और डेड हो जाएगी। तो इसे अगर डेड हो गया तभी आप कीजिए ये प्रोसेस, अगर नहीं हुआ तो आप बिल्कुल ना करें। तो ये इस वीडियो पे मैं यही बताऊंगी कि कैसे आपको इस फ़ोन को फ्लैश करना है, वो भी लेटेस्ट फोन जो अभी 2019 का है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको ये चार फाइल मिल जाएगा, ये लाइफ जो F90M का फोन, ये फ्लैश फाइल है ये जो आप देख सकते हैं। उसके बाद मेगाफोन SW डाउनलोड, ये आपका फ्लैश टूल है। अगर आपको फ्लैश फाइल फ्लैश टूल के बारे में कुछ नहीं पता, ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद ये कॉलकॉम का ड्राइवर है जो आपको फ़ोन को एक्सेस कर सकते एक्सेस करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद ये सेटअप आपको इंस्टॉल करना होगा आपके PC पर। उसके ये देखिए, जैसे ऊपर वाला ESI ट्रस्ट, ऊपर बस सेकेंड फर्स्ट वाला ESI ट्रस्ट द पब्लिशर, इसको क्लिक करके आपको ये देखिए, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसीलिए मेरे पास प्रिपेयरिंग टू रिमूव हो रहे हैं। तो आपको ये करना है कि आपको ये इंस्टॉल करना है आपके PC पर। उसके बाद ये देखिए मेगाफोन SW डाउनलोड, ये जो एप्लीकेशन साइड देख रहे हैं टाइप्स एप्लीकेशन, तो उसको दो बार क्लिक करके इसको ओपन कीजिए। ये देखिए नो पोर्ट अवेलेबल, इसका मतलब कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड भी है फिर भी नहीं दिखा, फिर भी ऐसा क्यों दिखा रहा है कि नो पोर्ट अवेलेबल, इसका मतलब ये है कि आपका ड्राइवर ठीक ठीक इंस्टॉल नहीं हुआ। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए, वो जो कॉलकॉम का ड्राइवर दिया है वो आपको ठीक ठाक इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो ये मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो ये फ़ोन को आप आपको कैसे लगाना है, कैसे लगाना ये देखिए, आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम जो डाउन है ये दोनों को आपको प्रेस करना है और एक साथ इसको लगा आपको जाना है मैनेज पर। प्रेस कर रहा हूँ दिस PC, उसके बाद मैनेज पर क्लिक करके आपको डिवाइस मैनेजर पर क्लिक, सिंपली एक बार क्लिक करके उधर आना है। उधर इस पर इधर आप देख सकते हैं आपका ड्राइवर या जो कुछ भी। तो ये फ़ोन कैसे कनेक्ट करते हैं, नीचे दिए गए एक साइड पे ये वीडियो आप देख सकते हैं। जब आप इसको लगाएंगे तो एक साउंड आपके PC पे ज़रूर आया होगा। तो उसके बाद ये फ़ोन जब कनेक्ट हो जाएगा तब आप देख सकते हैं ये फ़ोन का ये आपका डिवाइस मिसिंग, तो ड्राइवर मिसिंग, तो उसको आप सिंपली इधर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करके इधर आप देख सकते हैं हैव डिस्क पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट हैव डिस्क, उसके बाद ब्राउज, मतलब आप ब्राउज करके से और उसके बाद आपको उस फाइल पे जाना है जियो F90M, उसके बाद कॉलकॉम ड्राइवर, ये जो ड्राइवर INF टाइप की फाइल है उसको आपको सेलेक्ट करना है सिंपली। उसके बाद ओपन पर सिंपली क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मॉडल है कॉलकॉम, उसके बाद सिर्फ नेक्स्ट करने के बाद ही आपको इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल दिस ड्राइवर एनीवे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ये ड्राइवर इंस्टॉलिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं साइड पे रखता हूँ। ये देखिए कॉम 5, मतलब ये ड्राइवर मिसिंग है इसलिए ये ऐसा दिखा रहे हैं, ड्राइवर इंस्टॉलेशन कैंट बी कैंसिल। तो ये ड्राइवर जब इंस्टॉल करेंगे आप तो उस समय आपको कैंसिलेशन करने के लिए कोई भी ऑप्शन ना मिलेगी। तो ये देखिए
विंडोज है सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर सॉफ्टवेयर, तो ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर ठीक ठाक इंस्टॉल हो गया। अब देखिए मेकाफोन SW डाउनलोड पर ये क्या आता है, नो पोर्ट अवेलेबल या कॉलकॉम का ड्राइवर। तो एक बार आपको रिस्टार्ट करना है आपके पीसी को, ये देखिए रिस्टार्ट करने के बाद आपको कॉलकॉम HS USB लोडर ये जो COM4 का आया चला आया, ये क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि इसके ड्राइवर ठीक ठाक इंस्टॉल है। उसके बाद आपको सिंपली सर्च पाथ पे क्लिक करके आपको इधर से सेकेंड वाला या जो भी फाइल आपको चाहिए, एक मैं इधर लास्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट को ये होता है आपको फ्लैश फाइल। उसके बाद सिंपली इधर डाउनलोड पर क्लिक करके इधर आप देख सकते हैं फ्लैशिंग शुरू हो गया। तो ये फ्लैशिंग होने के लिए कंप्लीट, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट या 4 मिनट लगेगा। तो ये हो ही गया 85% या 90%। और ये हो गया, ये देखिए डन, ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब डन। तो फ्लैशिंग प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। आप सिंपली आपको आपका केबल रिमूव करना है, उसके बाद देखना है कि ये, मैं भी आप लोगों को मेरा फ़ोन दिखाता हूँ ये ऑन होता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं मैं चार्जर कनेक्ट कर रखा क्योंकि इस बैटरी पे चार्ज नहीं है। तो अभी सिंपली आप ये इधर पावर बटन दबा के देख सकते हैं कि ये देखिए, अभी लोगो ठीक ठाक ऑन हो रहे हैं। जियो ये देखिए सेटअप कंप्लीट हो गया, ये फ़ोन नया जैसे होगा सेटअप करने के लिए। तो ये मैंने सेटअप कर लिया, ये देखिए चार्ज नहीं है, ये देखिए नए नए सब आ गए। तो दोस्तों आपको ये जियो F90M की फ्लैशिंग का प्रोसेस, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ ही उस बेल आइकन को दबा लेना ताकि मेरे ऐसे फ्लैशिंग या टेक वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो आपके फ़ोन पे पहले मिले। तो आते और एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।